दोस्तों स्वागत है आपका भोजपुरी कलेक्शन में। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं, आज इलेक्शन है का जो था रिजल्ट था, और आप सभी को दिखाने वाला हूं जो कि 5 स्टार भोजपुरी इंडस्ट्री में हारे हैं या फिर जीते हैं, आप सभी को कौन जीता है कौन हारा है कितने वोटों से, तो आप सभी को इस वीडियो में लाइव इलेक्शन जो रिजल्ट है दिखाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम आप सभी को अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आप सभी को दिखाते हैं क्रोम में जो इलेक्शन रिजल्ट है वेबसाइट पे आप सभी को ओपन करके दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों आप सभी जो कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि देखिए यहाँ पर जो लिखा है जनरल इलेक्शन टू परमानेंटली कंसिस्टेंस ट्रेंड एंड रिजल्ट जून 2024 काराकाट बिहार। जी हाँ, जो कि आप सभी देख सकते हैं कि जो कि निर्दलीय पवन सिंह लड़े थे काराकाट से, और वही राजा राम जो है लड़े थे, जो कि आप सभी बताना चाहेंगे जो राजा राम है पहले नंबर पे हैं, जो कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो कि मैं बताना चाहूँगा वोट मिले हैं उनको 380,581 वोट हैं, और वही जो प्लस में हैं 105,858, और वही पवन सिंह को मिले हैं जो कि बताना चाहेंगे आप सभी को 274,723, और जो है माइनस में है 105,858। वही बता रहे उपेंद्र कुशवाहा का, जो कि आप सभी देख पा रहे होंगे उनको जो वोट मिला है 253,876, या और वही माइनस में जो है 126,705, जो कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वही काराकाट से पवन सिंह जी लड़े थे। और वही चलिए बात करते हैं, आप सभी को दिखाते हैं रवि किशन जी हारे हैं या फिर जीते हैं कितने वोटों से। तो चलिए हम आप सभी को दिखाते हैं। यहाँ पे स्टेट्स वो करते हैं गोरखपुर, यानी पटना हरियाणा बिहार से ही बिहार, यहाँ पे गोरखपुर गोपालगंज है, आजमगढ़ औरंगाबाद, दूसरे यहाँ पे आप सभी को दिखाते हैं। यहाँ पे पहले होम में जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, बिहार यहाँ पे आएंगे, बक्सर तो चलिए अब आप सभी को दिखाते हैं गोरखपुर जो कि रवि किशन लड़े थे, जो कि आप सभी बताना चाहेंगे। देखिए रवि किशन जीत चुके हैं, जो कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बताना चाहेंगे आप सभी को वोट मिले हैं 585,834 वोट मिला है, और वही जो है प्लस उनको जो वोट मिला है आप सभी देख पा रहे होंगे 103,526 वोट मिले हैं। और वही आप सभी को चलिए हम आप सभी को दिखाते हैं दिनेश लाल यादव की बात करते हैं। चलिए हम आप सभी को दिखाते हैं दिनेश लाल यादव, यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे आजमगढ़, उत्तर प्रदेश आजमगढ़। देखिए हम आप सभी को देखिए दोस्तों आप सभी हम आप सभी को दिखा पा रहे होंगे कि दिनेश लाल यादव जो कि हार चुके हैं, और वही जो जीते हैं धर्मेंद्र यादव करके समाजवादी पार्टी से, जो कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।
और दिनेश यादव जी जो है हारे हैं, बताना चाहेंगे आप सभी को उनके जो वोट मिला है 347,204 और वही उनको जो है माइनस में जो वोट हुआ है मिले हैं, कम मिले हैं, उतने वोटिंग से हारे हुए हैं 161,035 जो कि आप सभी हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वही चलिए बात करते हैं, अभी हम आप सभी को दिखाते हैं, चलिए आप सभी को दिखाते हैं बिहार से बक्सर, तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे गुंजन सिंह जो कि बिहार से लड़े थे और नवादा में, जी हाँ, और निर्दलीय लड़े थे, और आप सभी को बताना चाहेंगे वो जो लड़े थे आप सभी को निर्दलीय लड़े थे चुनाव और वो हार चुके हैं जो कि भोजपुरी के एक एक्टर और स्टार माने जाते हैं, और वही जीते हैं जो कि बता दें कि नवादा से भारतीय जनता पार्टी से विवेक ठाकुर जी, और उनको जो वोट मिला है 410,608 और वही जो प्लस में है 67,670 और वही बताना चाहेंगे अपने गुंजन सिंह को मिला है जो कि वोट मिला है 229,682 यानी बता दें कि 300,000 भी वोट नहीं मिला है गुंजन सिंह को, और आपसे भी बताना चाहेंगे जो माइनस में है यानी बता दें कि 380,926 माइनस में थे और उनको बता दें 30,000 ही वोट मिले हैं गुंजन सिंह को नवादा से, यानी बता दें कि गुंजन सिंह का तो हार तय ही था क्योंकि वोट उनको बहुत ही कम मिला था जो कि आप सभी हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों बता दें चलिए अभी हम आप सभी को दिखाते हैं मनोज तिवारी की बात करते हैं जो कि मनोज तिवारी दिल्ली से, दिल्ली आप सभी को हम दिखाते हैं महाराष्ट्र काराकाट बिहार और दिल्ली दिल्ली ये नहीं है दरभंगा नहीं, यहाँ पे होम में जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं हम गुजरात बिहार दिल्ली, देखिए दिल्ली आ गया यानी दिल्ली आ गया न्यू दिल्ली में आते हैं मनोज तिवारी, नहीं मनोज तिवारी नहीं आ रहे हैं, हम आप सभी को दिखाएंगे दिल्ली, देखिए हम आप सभी को दिखा रहे हैं लाइव तस्वीर एनसीटी ऑफ दिल्ली, एंटर करेंगे फिर यहाँ पे दिल्ली साउथ, यहाँ पे देखते हैं साउथ दिल्ली मनोज तिवारी, तो फाइनली आप सभी को बताना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में 3 सुपरस्टार जो है हार चुके हैं, वही बताना चाहेंगे आप सभी को गुंजन सिंह नवादा से जो लड़े थे एक सुपरस्टार थे, और वही बताना चाहेंगे दिनेश यादव भाजपा से लड़े थे वो जो कि वो भी हार चुके हैं, और वही पवन सिंह जो कि निर्दलीय चुनाव लड़े थे काराकाट से वो भी हार चुके हैं, और वही जो जीते हैं बताना चाहेंगे आप सभी को रवि किशन जी गोरखपुर से, और वही मनोज तिवारी जी जीत चुके हैं,
यानी बता रहे कि 5 स्टारों में से 2 स्टार जीत चुके हैं और वही 3 स्टार हार चुके हैं, जो कि आप सभी को मैंने रिजल्ट भी दिखाया। और तो दोस्तों फाइनली था ये आप सभी के बीच में, आज जून जो है 24 था और आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया इलेक्शन का, और कौन हार गया कौन जीत गया आप सभी को पता चल गया है, और मैंने रिजल्ट भी दिखा दिया है कौन कितने वोट से हारा है, कौन जीता है और कितना वोट मिला है। तो पवन सिंह, क्या आप सभी को क्या लगता है, क्या बीजेपी का यह साजिश था कि कुछ टेक्निकल कारण की वजह से और पवन सिंह को वोट ना कुछ गड़बड़ी के कारण से वजह से ईवीएम मशीन के कारण वजह से कुछ गलत करने की वजह से इसके लिए हार गए क्या पवन सिंह, क्या वोट नहीं मिला, क्या वोट में कुछ गड़बड़ी हो गया, आप सभी को क्या लगता है, क्या काराकाट से जनता पवन सिंह का बस नाम करने के लिए सारा वोट राजा राम को दिए, क्या झूठ नाम बढ़ाने के लिए क्या पवन सिंह अपना इतना मेहनत किए, आप सभी को क्या लगता है हमारे कमेंट जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।